अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्ला। आपका कल पेपर है ह्यूमन राइट्स का, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। जो रेमेडीज अंडर आर्टिकल 199 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की, के वायलेशन हो जहाँ पे ह्यूमन राइट्स की, तो फिर आप हाई कोर्ट में कैसे अप्रोच करेंगे? वो आर्टिकल 199 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का आपको बताएगा। इंट्रोडक्शन में आपको बता दें कि ये हाई कोर्ट की जो जुरिस्डिक्शन है वो ऑर्डर्स पास करने की है, डायरेक्शंस इशू करने की है फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। दिस आर्टिकल इज अ क्रूशियल मैकेनिज्म फॉर द प्रोटेक्शन एंड एनफोर्समेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स इन पाकिस्तान, अलाउइंग इंडिविजुअल टू सीक रेमेडीज व्हेन देयर राइट्स आर वायोलेटेड। अब जब भी कोई राइट की वायोलेशन होती है और कुछ कंडीशंस हैं इसके ऊपर, जो कंडीशंस अगर आपकी फुलफिल होती हैं तो फिर आप ऑनरेबल हाई कोर्ट में डायरेक्टली केस फाइल कर सकते हैं फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। आपके पास स्कोप आर्टिकल का बताते चलें कि आर्टिकल 199 ग्रांट्स द हाई कोर्ट पाकिस्तान द पावर टू इशू रिट्स, ऑर्डर्स एंड डायरेक्शंस फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। अब क्या रिक्वायरमेंट है कि एग्रीव्ड पर्सन अप्रोचेज द हाई कोर्ट, एनी पर्सन हु बिलीव दैट देयर फंडामेंटल राइट्स हैव बीन वायलेटेड कैन डायरेक्टली अप्रोच द हाई कोर्ट फॉर रिड्रेस अगेंस्ट अ पब्लिक अथॉरिटी और पर्सन परफॉर्मिंग अ पब्लिक फंक्शन, गवर्नमेंट के अगेंस्ट या पब्लिक अथॉरिटीज या पर्सन जो कि गवर्नमेंट ऑफिशल्स हों, पब्लिक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हों, उनके अगेंस्ट आप रिट फाइल कर सकते हैं। फिर टाइप्स ऑफ रिट्स क्या हैं, क्या टाइप्स ऑफ रिट्स हैं? देर आर फाइव टाइप्स ऑफ रिट्स, जिसमें आती है हेबियस कॉर्पस। अगर किसी को इलीगली डिटेन किया गया है तो उसके अरेस्ट की जस्टिफिकेशन भी नहीं है गवर्नमेंट के किसी इदारे के पास, पुलिस के पास, एफआईए के पास या किसी भी और बॉडी को, कोई जस्टिफिकेशन नहीं अरेस्ट की, तो हाई कोर्ट के पास पावर है के उसको रिलीज कर दे। हेबियस कॉर्पस की फर्स्ट रिट है। सेकंड रिट आपके पास मैंडमस की आती है, जहाँ पे हाई कोर्ट डायरेक्ट करती है टू अ पब्लिक सर्वेंट और पब्लिक ऑफिसर और गवर्नमेंट टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज विच दे आर लीगली बाउंड टू डू, के प्रोहिबिशन थर्ड रिट है, जिसमें प्रोहिबिट किया जाता है, किसी को रोका जाता है, जो आप बोलते हैं ना इंजंक्शन या स्टे ले आना, तो प्रोहिबिशन में कोर्ट किसी को इलीगल काम करने से रोकती है। दिस अब सर शरारे एक फिर फोर्थ रिट है। दिस रिट अलाउज द हाई कोर्ट टू रिव्यू एंड क्वाश द डिसीजंस ऑफ लोअर कोर्ट्स, ट्रिब्यूनल्स और अदर पब्लिक बॉडीज दैट हैव एक्टेड बियॉन्ड देयर अथॉरिटी और इन वायलेशन ऑफ द लॉ। अब सर शरारे में आपने देखना ये होता है कि अगर कोई ऑर्डर या कोई एक्शन हो गया है तो, और वो इलीगल ऑर्डर है या इलीगल एक्शन है, उस एक्शन को कोर्ट डिक्लेयर कर सकती है नल एंड वॉइड। कौन सी कोर्ट? हाई कोर्ट, जहाँ पे आप ये रिट फाइल करते हैं। फिर को वारंटो की फिफ्थ रिट है, जिसमें कि आप किसी भी अथॉरिटी को चैलेंज करते हैं, किसी की अथॉरिटी को, किसी के पब्लिक ऑफिस पे, के अंडर विच अथॉरिटी यू आर होल्डिंग दिस ऑफिस, अगर कोई क्वालिफाइड ना हो सीट पे बैठने का, फिर ये रिट फाइल की जाती है। मोस्टली इट कैन बी यूज्ड टू क्वेश्चन द अथॉरिटी ऑफ एन इंडिविजुअल हु मे बी वायलेटिंग द राइट्स ऑफ अदर्स वाइल होल्डिंग पब्लिक ऑफिस। नेक्स्ट आपके पास कंडीशंस, जो मैंने आपको बताया कि लोकस स्टैंडाई, कोई ना कोई अग्रीव्ड पर्सन होगा, फिर नो अल्टरनेटिव रेमेडी, और उस एग्रीव्ड पर्सन के पास कोई और फोरम नहीं होगा उसे अल्टरनेटिव एडिक्वेट और एफिकेशियस रेमेडी प्रोवाइड करने का। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एलडीए कोई आज हमारे पास बिल्डिंग गिराने आ गया, कमर्शियल कोई घर गिराने आ गया, कि नक्शा पास नहीं है या कोई और प्लाजा गिराने आ गया, अब अगर उसका ये एक्शन इलीगल है विदाउट नोटिफिकेशन या कोई नोटिस उसने नहीं इशू किया पहले आपको, और वो इस तरह से आ जाते हैं, अब हमें ये है कि हमें फौरी रिलीफ अगर चाहिए तो हम कहाँ पे जाएंगे? ऑनरेबल हाई कोर्ट में। हम लॉन्ग स्टैंडिंग वेट नहीं करेंगे कि आपको इतना वेट करना पड़े कि आप
उस रेमेडी के अप्रोच के लिए कोई और ऑर्गेनाइजेशन है, उसके पास जाते जाते इतना टाइम लग जाए कि एलडीए सारा कुछ गिरा के वापस चला जाए और आपके हाथ में कुछ भी ना बाकी रहे। ये अल्टरनेटिव रेमेडी कोई और ना हो और एडिक्वेट रेमेडी ना हो। अगर रेमेडी तो है बट इट्स नॉट एडिक्वेट, एफिकेशियस नहीं है। जब तक आप फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने एग्ज़ाम देना है, अगर किसी को रोल नंबर स्लिप इशू नहीं हुई और उसने फ़ी भी जमा कराई, प्रोसीजर सारा अडॉप्ट किया, अब उसके एग्ज़ाम की परसों डेट है और उसके पास रोल नंबर स्लिप नहीं है, तो आज के आज रेडिट प्रिपेयर करके उसको फाइल करते हैं आप, इमीडिएट रिलीफ आपको ऑनरेबल हाई कोर्ट दे सकती है, जिसमें कि आपको परमिशन मिल सकती है एग्ज़ाम्स में से बैठें और आप अपने एग्ज़ाम्स कंडक्ट करें। ये कंडीशनल परमिशन होती हैं। इस तरह से जो इमीडिएट रिलीफ जहाँ पे चाहिए होता है, बेशक अल्टरनेटिव रेमेडी मौजूद हो लेकिन एडिक्वेट और एफिकेशियस नहीं हो, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनरेबल हाई। नेक्स्ट है रिलीफ अवेलेबल किस नेचर के होते हैं। अब डेक्लेरेटरी रिलीफ है, पहले तो डेक्लेयर कर सकती है किसी का भी एक्शन, जैसे कि आपको बताया हैबियस कॉर्पस में इलीगल अरेस्ट हो, डिटेंशन हो किसी की, तो हाई कोर्ट डिक्लेयर कर सकती है कि इसका जो अरेस्ट और डिटेंशन है वो इलीगल है। किसी का इलीगल ऑर्डर हो तो वो हाई कोर्ट डिक्लेयर कर सकती है कि ऑर्डर इलीगल है। तो पहला रिलीफ क्या है, डिक्लेरेशन की फॉर्म में। दूसरा इंजंक्शन की फॉर्म में, कि रोक ना किसी को किसी गलत काम से, तो द कोर्ट कैन इशू ऑर्डर्स टू प्रिवेंट फर्दर वायलेशन ऑफ राइट्स टू और टू स्टॉप ऑन गोइंग इलीगल एक्टिविटीज़। थर्ड रिलीफ क्या है, रेस्टोरेशन ऑफ राइट। द कोर्ट कैन रिस्टोर द राइट्स ऑफ द पिटिशनर सच एज ऑर्डरिंग री इंस्टेटमेंट टू अ जॉब और रिटर्निंग अनलॉफुल कॉन्फिस्केटेड प्रॉपर्टी। अटैचमेंट कर दी जाए किसी की प्रॉपर्टी की, उसे भी रीओपन करने की इजाज़त दे सकती है कोर्ट। और फिर ऑनरेबल हाई कोर्ट जैसे कि रिस्टोर करना राइट का, राइट टू जो सिक्योरिटी है अगेंस्ट इलीगल अरेस्ट और डिटेंशन के, रिलीज़ करने का तो डिक्लेयर रिलीज़ भी कर सकती है उसको। तो राइट टू लिबर्टी किसी का इन्फ्रिंज हो तो हैबियस कॉर्पस की रिट फाइल की जा सकती। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंस इन द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स। अब आर्टिकल 199 एक पावरफुल टूल है, जैसे कि आपको बताया गया, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स इन पाकिस्तान एज इट एम्पावर्स इंडिविजुअल्स टू डायरेक्टली सीक जुडिशियल इंटरवेंशन व्हेन देयर फंडामेंटल राइट्स आर वायोलेटेड। The ability of the High Court to issue writs provides a crucial check on the actions of public authorities and ensures that the rule of law is upheld. ये importance है इस article 199 की, क्योंकि courts के पास एक बहुत strong powers हैं कि immediate आपको relief दिया जा सके। फिर judicial interpretation और precedents जो हैं over the years, ये इसके ऊपर काम होता रहा है आर्टिकल 199 के ऊपर, और उन्होंने लोगों के फंडामेंटल राइट्स को सिक्योर करने के लिए अपना, जिसे एक टॉपिक है जुडिशियल एक्टिविज्म का, वो भी आप आ सकते हैं कभी क्वेश्चन में। इस वक्त तो नहीं आपको इस पेपर में आएगा, बट ये क्या है कि कोर्ट्स अपने फंडामेंटल राइट्स की इन्फोर्समेंट के लिए बियॉन्ड मतलब सेटल्ड प्रिंसिपल जाके भी आपको वो राइट प्रोवाइड करेंगी। एक केस लॉ की एग्जाम्पल भी आपको मैं भी दूंगा। आपके पास पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये एक थोड़ा सा टेक्निकल सा क्वेश्चन है, लेकिन इसमें रिट ज्यूरिसडिक्शन में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में ज़रूरी नहीं है कि आप एग्रीव्ड हों या डायरेक्टली इफेक्ट हो रहे हों किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन से या वॉयलेशन से। आप अगर लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल या पर्सन इफेक्ट हो रहे हैं, तो फिर जो आप डायरेक्टली इफेक्ट नहीं हो रहे, तो आप क्या कर सकते हैं, आप पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का आर्टिकल 199 की रिट फाइल कर सकते हैं, जहाँ पे आप ये जो इट अलाउज एनी पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन टू फाइल अ पिटिशन ऑन बिहाफ ऑफ दोज हुज राइट्स आर बीइंग वायलेटेड इवन इफ दे आर नॉट डायरेक्टली अफेक्टेड देमसेल्व्स। अब ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, लोग जब सिर्फ एंटी बैगिंग लॉज हैं, अब बैगर्स हर जगह पे, हर चौक पे, चौराहे पे मौजूद हैं,
और मैं अब कल केस कर सकता हूँ कि भाई ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए, लॉज की इन्फोर्समेंट होनी चाहिए। तो ये जो इस तरह की नेचर्स की रेट्स हैं वो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में आती हैं। नेक्स्ट केस लॉज हैं, दो इम्पोर्टेंट केस लॉज आप लोगों के लिए लिखे हैं। एक बेनज़ीर भुट्टो का केस लॉ है वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, जिसमें कि उनकी डिसमिसल थी गवर्नमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर बेनज़ीर भुट्टो की। उस वक्त 58(2)(b) की शिक मौजूद होती थी कि प्रेसिडेंट जब चाहे असेंबली डिसॉल्व करके रिमूव कर दे प्राइम मिनिस्टर को। तो उस डिसमिसल को चैलेंज किया था बेनज़ीर भुट्टो ने, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने, कि उसके ऊपर क्या आर्ग्यू किया था कि फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन है, प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी, चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स नुमाइंदे होंगे गवर्नमेंट के, ये जो आपके डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स हैं इनकी वायलेशन। सुप्रीम कोर्ट ने कर लीगल इशू जो फ्रेम किया था वो था कि वेदर द डिसमिसल ऑफ द गवर्नमेंट वाज जस्टिफाइड, क्या प्रेसिडेंट के पास पावर थी, वेदर द एक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट वायलेटेड द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजंस इंक्लूडिंग द राइट टू पार्टिसिपेट इन डेमोक्रेटिक गवर्नेंस। सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट आई थी, इट वॉज हेल्ड दैट प्रेजिडेंट्स ऑर्डर वॉज विद इन द एम्बिट ऑफ हिज पावर्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। हाउ एवर द कोर्ट एम्फसाइज जो इम्पोर्टेंस थी केस में, जो फोकस किया गया था वो यही था कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस को प्रोटेक्शन दी जाए। अपहेल्ड ऑर्डर प्रेजिडेंट का ही हुआ था। एक ये लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा ये केस लॉ इम्पोर्टेंट है, शहला जिया वर्सेज वाबडा। ये 1994 में वाबडा ने रेजिडेंशियल एरिया में इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड का इंस्टॉलेशन करनी थी। जो शहला जिया थी वो पेटिशनर ने केस फाइल किया था कि इससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होंगी और लाइफ इफेक्ट होगी ह्यूमन बीइंग की। लीगल इशू यही फ्रेम हुआ था इस केस में कि वेदर द राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड्स द राइट टू अ हेल्दी एंड सेफ एनवायरमेंट एंड वेदर द इंस्टॉलेशन ऑफ द ग्रिड स्टेशन वायलेटेड इज राइट। सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया था कि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हेल्ड दैट द राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 9 इंक्लूड द राइट टू अ हेल्दी एंड सेफ एनवायरमेंट। द कोर्ट ऑर्डर्ड वाबडा टू कंडक्ट अ डिटेल्ड स्टडी टू असेस द पोटेंशियल हेल्थ रिस्क एंड इंश्योर दैट इंस्टॉलेशन ऑफ द ग्रिड स्टेशन डिड नॉट पोज एनी डेंजर टू द रेजिडेंट्स। दिस लैंडमार्क केस एक्सपेंडेड द इंटरप्रिटेशन ऑफ द राइट टू लाइफ टू इंक्लूड एनवायरमेंटल राइट्स, सेटिंग अ प्रेसिडेंट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंटल हेल्थ अंडर आर्टिकल 199। अब ये दो बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं, ये ज़रूर याद रखिएगा, एक मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का, दूसरा शहला ज़िया का। अब कंक्लूजन आपके पता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट या कॉर्नर स्टोन या माइल स्टोन आप कह लो कि जो 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन में 199 की पावर्स दे दी गई ऑनरेबल हाई कोर्ट को फॉर प्रोटेक्शन एंड एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग। अब इसमें कोर्ट्स को जो पावर्स दी गई हैं वो डिफरेंट नेचर्स की हैं, वो किन कंडीशंस में दी जा सकती हैं, ये कंक्लूडिंग पैराग्राफ आपने लिखना है। अल्लाह ताला आपको आपके एग्ज़ाम्स में कामयाब करे, आमीन।